इंदौर पलासिया क्षेत्र में स्थित शुभ लाभ अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग स्थल के किनारे बने गार्ड रूम में सुरक्षा कर्मी रामबाबू राजपूत की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वहीं बाहर से कमरे पर ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मृतक रामबाबू डेढ़ माह पहले शुभ लाभ अपार्टमेंट में बबलू सिसोदिया एजेंसी के मैनेजर के माध्यम से तैनात हुआ था। मृतक राम बाबू के पहले इस बिल्डिंग में महेश कैथवास नामक गार्ड काम किया करता था, किंतु महेश कैथवास द्वारा लॉकडाउन में अपने घर चले जाने के कारण मृतक राम बाबू को गार्ड की नौकरी पर रखा गया था। एसपी पूर्व विजय खत्री के अनुसार महेश कैथवास ने मृतक को 7,000 रुपये उधार दिए थे। नौकरी न लगने से आर्थिक तंगी के चलते महेश कैथवास मृतक से उधार दिए रुपये लेने गया था। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान महेश ने राम बाबू पर पहले लाठी से हमला किया और उसके बाद चाकू से गला रेत दिया और कमरे में ताला लगाकर भाग खड़ा हुआ, जिसे पुलिस ने खंडवा से धर दबोचा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। 22 तारीख की शाम को करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि थाना पलासिया क्षेत्र में शुभ लाभ अपार्टमेंट में गार्ड के कमरे में एक हत्या हुई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि वहां पर जो गार्ड नौकरी करता था रामबाबू राजपूत, उसी के खुद के कमरे में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके घटनास्थल का निरीक्षण करने से यह समझ में आया कि उसके गले पे किसी तेज धारदार हथियार से इंजरी है, बल्कि मतलब इस कदर इंजरी थी कि उसकी वोकल कॉर्ड भी पूरी कट गई थी और पीछे से सिर में भी हथियार मतलब लाठी जैसे हथियार के चोट के निशान थे। मौके की कार्रवाई कर ली गई। घटनास्थल पे कुछ विशेष ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे कि कुछ पता चल सके कि ये किसके द्वारा घटना घटित की गई है। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। उस दिन पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से उस बिल्डिंग में जो लोग नीचे खेलने के लिए बच्चे आते हैं या महिलाएं जो वॉकिंग आती हैं, तो उस दिन चूँकि बहुत पानी बरसा था तो शाम के समय 4 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक कोई ऐसा ज़्यादा आना जाना किसी का हुआ नहीं था। बिल्डिंग के सभी रहवासियों से बहुत बारीकी से गहराई से बात की गई, पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी उपयोगी जानकारी हमें नहीं दी थी। फिर हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ थी कि इसके जो पुराने संबंध हैं, जो मित्र हैं, इसके जो व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत रंजिशें हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए। उसके भाइयों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश होने से इनकार कर दिया। मृतक मूलतः रायसेन का रहने वाला था और यहाँ सिर्फ 1-1.5 महीने पहले ही इस बिल्डिंग में नौकरी पर आया था, गार्ड की ड्यूटी पर। वो बबलू सिसोदिया नाम की एजेंसी के मार्फत आया था। बबलू सिसोदिया से भी पूछताछ की गई, उसने भी किसी तरीके के वाद विवाद या किसी बात से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी क्योंकि उससे मात्र 10 दिन पहले ही एक और हत्या की वारदात पलासिया क्षेत्र में ही, गीता भवन क्षेत्र में ही हुई थी। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में डीआईजी साहब के जो भी निर्देश प्राप्त हुए उनके पालन में एडिशनल एसपी जोन 1 जयवीर सिंह भदौरिया और एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया को सभी तरीके के प्रयासों को गंभीरता से कराने के लिए उनको निर्देश दिए गए। दोनों अधिकारियों ने टीम के साथ काम करना शुरू किया। तो इसमें यह जानकारी मिली कि जो एक पहले गार्ड उसी बिल्डिंग में काम करता था मुकेश कैथवास, वो इसके पास कभी कभी मिलने आता था। बस इतनी ही जानकारी मिली थी, उसी को आगे बढ़ाया गया। मुकेश कैथवास का पता लगाया गया तो वो अपने घर पे नहीं मिला। फिर उसके भाइयों को लाया गया तो उन्होंने भी कुछ नहीं बता पाए वो कहाँ है। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हुआ। उसको लगातार उसका पीछा करते करते कल उसको खंडवा के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसने घटना कबूल की है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य एविडेंस भी जब्त हो गया है। जब उससे यह पूछा गया कि उसने इसकी हत्या का कारण क्या है, क्यों की, तो उसने ये बताया कि उसको 7,000 रुपये से लेने थे उधारी के और चूँकि लॉकडाउन में वो अपने घर चला गया था, उसकी नौकरी छूट गई थी, उसी की जगह ये नौकरी करने आया था, तो ये चाहता था कि 7,000 रुपये मृतक उसको दे दे। उसी लिए कल वो करीब 1 घंटे उसके पास बैठा रहा,
चाय भी पी दोनों ने साथ बैठ करके। फिर वो पैसे देने से जब इनकार कर दिया मृतक ने, तो आरोपी ने उत्तेजनावश उसको पहले 3 बार लाठी से सिर में मारा, उसके बाद उसका गला रेत करके कमरे के बाहर ताला लगा करके धीरे से चला गया था। अब इसमें तो यही कह सकते हैं कि उस समय जो उसके ऊपर खून सवार हो गया था, इस वजह से उसने इसमें कोई कसर ना रह जाए कि वो जिंदा ना बचे, और उसको यह एहसास नहीं था कि इतनी जल्दी वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। इसका अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमने सभी थानों में मैसेज कर दिया है, जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ से भी, खंडवा से भी हम जानकारी ले रहे हैं, यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आरोपी पहले इसी जगह पे गार्ड की ही नौकरी करता था, लॉकडाउन में वो अपने घर चला गया था, तो उसकी उसको नौकरी से हटा दिया गया था, उसी की जगह मृतक नौकरी करने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।